जा रही है। कैसे रो रही है, ये रो रही है, देखो इनको, इनको देखो, देखो बच्चों पर रोती, बच्चों पर देख। ये बात तो लगे कि मैं भी सेम बात बोलने वाली थी, पर तुम मत बोलो। हाय, कल उसके ब्लैक पेन से क्यों लिख रहा है? हे गाइस, राधे राधे, आप लोगों को स्वागत है एक नए और जबरदस्त ब्लॉग में। फिलहाल एक महीने बाद भाई इनसे मिले, पार्ले जी से। हेलो सर। हाय राधे राधे। बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली। गाइस, आज पुरानी रूटीन के हिसाब से पार्ले जी रेडी हो चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 10:30, और पार्ले जी जा रहे हैं अपने ऑफिस। बड़े दिनों बाद आज जा रहे हैं भाई, नई कंपनी के मालिक बन के आए हैं, लेकिन कोई मिठाई नहीं, खाली हाथ आ गए। गाइस हेलो, कुछ ले आए, मेरा मुंह मीठा कराए, नई नई फैक्ट्री खोले तो। तो गाइस मैं तो ठेकुआ खा रही थी, प्रसाद है छठी मैया को, पाड़े जी तो भाई यहाँ दीप्ति पढ़ा रही ट्यूशन। हेलो दीप्ति, कोई बात नहीं, और हम चले हो फल लेने। फटाफट पाड़े जी कर रहे हैं वेट तो फल फ्रूट लेने को। देखो भाई स्टार्ट करके बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हैं। आज पाड़े जी का फल आ गया, राम फल। ये देखो भाई राम फल, आज राम फल आया है, पाड़े जी का राम फल, पाड़े जी का राम फल। ये लो अपना राम फल। सुल्तानपुर में सस्ता मिलता है, क्या रेट है बताओ? तो अभी फल वल ले लिया, राम फल वगैरह यहाँ ले लेते हैं, बिल्कुल गरम गरम ताजी ताजी मूंगफली। सामान तो सारा ले लिया, लेकिन अब ले चलना स्कूटी में, यही मजा रहता भाई। आगे रख लो और आराम से चले चलो, आगे रखो चलो, फिर क्या दिक्कत है। ये लो आगे आगे रख दिए, अब तुम कैसे रखोगे? मोहतरमा आगे गाड़ी लगा दी पाड़े जी बुलेट के सामने। गाइस पहले तो पाड़े जी बोले कि मैं आगे रख रहा हूँ, फिर क्या, मैंने भाई रख भी दिया। जब पाड़े जी के सामने मैंने रख दिया तो करे अपने गिर जाए। गैस घर हम लोग पहुंच गए, और जैसे पहुंचे ये देखो खाना खाने आया है, खाना खाना है, खाना बिस्किट चाहिए, बिस्किट। ये देखो गैस, देख रहे हो बिस्किट, हाँ बिस्किट चाहिए, बिस्किट, हाँ बिस्किट ला भैया, बिस्किट ला, ला रहा है, ला रहा है, बेबो ला रही बिस्कुट, ला बिस्कुट दो भाई, पार्ले जी बिस्कुट दे, आ जा आ जा। गैस कोई भी मिठाई के डब्बे में इसीलिए इसी के लिए फेंकती नहीं, इसमें दूध डाल, दूध भी डाल देती हूँ ना तो गिरता नहीं है। अभी नहीं खाएगा, अब बेबो जब हटेगी तब खाएगा, हटो अब खाए। कल है भैया का पेपर, और अभी बता रहे रात की 11:15, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं। कितने बजे तक पढ़ने का इरादा सर जी? एक 12:30 एक तक हो जाएगा। हाँ तो गाइस अगर ये 12:30 एक कह रहा तो आप 3 बजे मान लो। नहीं नहीं नहीं, हाँ हो जाएगा। हाँ चलो देखते हैं, फिलहाल सभी का खाना पीना हो गया है, तो इस ब्लॉग को यही एंड कर देते हैं। होप सो वीडियो में आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल नया गई तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई एक हफ्ते से मेरे चैनल पे कोई ब्लॉग नया नहीं जा रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे चैनल पे दे दिया यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ स्ट्राइक मार दिया है, तो एक हफ्ते के लिए मेरे चैनल पे कोई ब्लॉग नहीं जा रहा है। तो ये ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी जब मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होने लगेंगे, मुझे सारे फीचर्स मिल जाएंगे तब, लेकिन फिलहाल मैं ब्लॉग तो बना ही रही हूँ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं कल नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए भवाय राधे राधे। वेलकम टू ऑल न्यू ब्लॉग। देखो आज मैं बहुत ही ज्यादा दिनों बाद गाइस अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ भाई। कल परसों है मेरा इंग्लिश का एग्जाम, आज मैं एसएसटी का एग्जाम देके आया हूँ, और भाई आज था पहला हाफ ईयरली एग्जाम, बहुत ही ज्यादा प्यारा गया माशाल्लाह। सॉरी प्री बोर्ड वन बहुत ज़्यादा आसान है गाइस, प्री बोर्ड के कभी डरना है गाइस, अगर आप टेंशन में नहीं हो तो मेरी बात मानो गाइस, कुछ नहीं है, हलवा है सब। और भाई देखो पहली बात ये, और दूसरी बात इंग्लिश का एग्जाम परसों, तो आज गाइस मजे करेंगे। और आप देखो बेहो को गाइस मैं जंगल बुक दिखा रहा हूँ, इस बच्चे ने जंगल बुक नहीं देखी गाइस, बताओ कोई कह सकता है? गाइस इस बच्चे ने जंगल बुक तक नहीं देखी, बताओ गाइस। आ चुकी भाई यहाँ पे चाय, और बेहो की भी आ चुकी है चाय और टोस्ट। भाई यहाँ पे देखो मैं तो नमकीन खा रहा हूँ, नींबू वाला टोस्ट कहते हैं, हाँ टोस्ट कहते हैं। हाँ तो ब्रेड है, ये ब्रेड टोस्ट हो गया, तो ब्रेड टोस्ट। गाइस 1 बजे ये सब खाना खाया जा रहा है, बताओ गाइस बताओ ऐसे चलते हैं गाइस? अभी सब सो सा के उठ चुके हैं, अब चलते हैं थोड़ा काम, अभी आरती कर लेता हूं, लड़ी बाद में निकाल दूंगा, अभी जल्दी दो। चलते हैं गाइस मार्केट में, थोड़ा है काम तो चलते हैं, वो काम आपको पता ही चल जाएगा जब चल रही हूँ। तो गाइस आज है देवउठी एकादशी,
मोहतरमा बड़े ध्यान से देख रही थी। हाँ तो भाई गन्ना ही गन्ना नजर आ रहा है मार्केट में गाइस, लेकिन आप लोगों को नहीं आया होगा क्योंकि भाई ये देखो आ गए ना गाँव में, तो भाई सूट बजाते हैं आज। गाइस मार्केट में इतनी भीड़ है आज, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा है गाइस, आ रहा है। तो गाइस बढ़िया सब पिज्जा रेडी हो गया, और ये भैया का देख लो यहाँ पे सेंट कोलंबस के सामने है। भैया नॉन वेज नहीं बनाते भाई, वेज खाना है तो यहाँ आओ। कहाँ के हो भैया? ये हमारे यूपी के हैं अभी ना, इलाहाबाद। ऐसे देखो दीप्ति बड़े दिनों बाद मिली, बहुत भारी लगता है दीप्ति ये बाल लगाने के बाद। चलो हाय कर दो, हाय 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 मेरी हाय लगे। अबे उजाला कम क्यों लग रहा है? दीदी काली हो गई है, उजाला कम लग रहा है या मेरे को दिख कम रहा है? दीदी गोरी कब थी? देख ये बात तो लगी कि मैं भी सेम बात बोलने वाली थी पर तुम मत बोला। मैंने सोचा वीडियो बनाओ भाई, उतनी देर में पिज्जा गायब हो गया। और एक चीज आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि दीप्ति का आज व्रत था भाई, तो गाइस देखिए को सुबह से एकादशी का व्रत रखा था गाइस, जिस प्राणी ने बड़ा ही आग टांग ऐसे करके जो आराम से सोन पापड़ी जाती है। दो दादा सवाने दीदी मार नहीं रही हो इसको, कैसे चिढ़ा रहा है तुमको? कर दिया और ये देखो दीप्ति दे दे और देख रहे तो जूठी रहती है, तो कहता है इसी कपड़े लो लौट के नहीं जाओ, पिज्जा जूठा नहीं दिया गया। समोसा खाओगी दीदी? समोसा भी है, एक लाऊं? अब खा ही लो, अब भूख लग गई। मेरा मतलब मैं कैमरा के लिए मार रही हूं, अभी आवाज आई तभी तो मैं दौड़ के आई, पड़ रहा है तुझे कब से भाई। अरे टाइम नहीं है, बदल दे। अरे नहीं मैं नहीं बदल सकता यार, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। पास कर रहे, बदल ले फटाफट। क्या बदल लूं? ब्लू पेन से। क्यों बदल लूं? मैं नहीं बदलूंगा। क्योंकि इसका नाम आपका है कि नहीं है? उधर लगा कुछ जरूरी है, एक ही ब्लैक पेन है। अरे नहीं एक ही ब्लैक पेन है, तो पेपर में यूज होगा मेरे कल, और तेरे पेपर में नहीं यूज होगा ब्लैक पेन। एक सेकंड, क्या ब्लैक पेन यूज करेगी? क्या ब्लैक पेन यूज करेगी? पंगा चलाओ तेज करो, ब्लैक पेन से यूज करेगी? नहीं मैं नहीं दूंगा, ये शर्म की बात नहीं है तो। अरे मैं लड़की हूँ, मेरे तो नहीं होना चाहिए ना दीदी। डोंट डिस्टर्ब मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज देखो, जाओ लाओ बेटा। तय कहना 100 मतलब देखा, नहीं 100 दीदी, एक मैम बोली, मतलब बोलना भी होता है 100। मैम एक बोली थी, 100 होता है इसमें बोलते भी है। बेबो मुझे अब नहीं पढ़ाना भाई, मेरा हो गया, मुझे कुछ नहीं आता भाई। ट्यूशन भाई, ट्यूशन पढ़ने के बाद गाइज इनको देखो, गाइज यहाँ पे देखो गाइज, अरे पापा यहाँ पे देखो भाई, आ चुके गाइज आंटी दीदी वहाँ पे, अंकल गाइज वहाँ पे बैठे, और भाई देखो क्या चल रहा है गाइज, अरे लूडो चल रहा है, कौन जीत रहा है भाई? और गाइज अगर हम इस वाले कमरे में आए गाइज, आप देखो अंकल देख रहे मूवी, अंकल आज गाइज देखो, अंकल आज रात भाई, ये इनको देखो, इनको ये क्या चल रहा है भाई? हेलो गाइज, रोब्लॉक्स खेल रही गाइज पापा के फोन में, बैठ जाता ना खेल मत गाइज। वो दुख की घड़ी आ चुकी है जब आंटी और अंकल जा रहे हैं वापस, और दीदी भी जा रही है। क्या हो रहा है गाइज? देखो ये रो रही, देखो इनको देखो बच्चों पर रोती मिलते हैं 28 को, बाय बाय सारी नीचे से।
आंटी तो गए कुछ ऐसे गई अंकल आंटी काफी दिन से थे गए, वो जा चुके हैं गई अपने घर को वापस गई वहाँ सुल्तानपुर यूपी में। और भाई देखो 700 किलोमीटर दूर भाई, अभी देखो भाई पौने 10 हो चुके हैं। मेरे को भी गाइस बहुत सारा इंग्लिश का काम, मेरा कल पेपर है ना प्री बोर्ड का, तो कह रहा है बहुत सारा मेरे को भी पढ़ना भी है। और पापा तो भैया मस्त अपने दोस्तों के साथ गए हैं कुछ खाने के लिए, अभी पापा से ही बात हुई तो पापा ने बोला इनको इतना मारूंगा ना। अरे भाई गई हाथ नहीं उठाने का। तो फिलहाल भाई रात के बज चुके हैं भाई 2 बजने वाले हैं, मतलब 2 बजने में 10 मिनट रह गए। और भाई देखो आज ही गाइस क्या हुआ है कि भाई कल है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम, और गाइस देखो फिलहाल मैं भाई आज इंग्लिश का एग्ज़ाम गाइस इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए 2 बजे तक पढ़ता है क्या, पर भाई पता नहीं आज मैं इतना ज़्यादा लेट हो गया गाइस, ऐसा हमेशा होता है वैसे कोई बात नहीं। और भाई देखो फिलहाल पता है मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, और पता है गाइस मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई 2 बज चुके हैं और सब कोई सो रहे हैं, और अभी मैं पढ़ा अभी जस्ट मैंने गाइस पैकअप कर दिया, यहाँ पे सारा का सारा फैला हुआ था गाइस, मैंने सारा का सारा पैकअप करके रख दिया है गाइस, बैग वगैरह अंदर रख दिया, पापा सो रहे हैं, मम्मी और पापा सो रहे हैं, और फिलहाल गाइस सोने का टाइम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ सोने। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, आज भाई मम्मी तो बहुत रो गई, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड चली गई घर वापस, उनके घर गए सुल्तानपुर में। तो गए अंकल और आंटी और दीदी आज वापस जा चुके हैं गाइस, मम्मी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और कोई बात नहीं गाइस, अंकल का बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डेट पे आता है 28 नवंबर, हो सके तो हम लोग कहीं घूमने जाएंगे गाइस, मज़ा आने वाला है। बट स्टिल गाइस अभी आज है 13 तारीख, और भाई अब भाई एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं जा रही यूट्यूब पे क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है, तो 7 दिन के लिए बंद है चैनल, और किस लिए आई है मैं आपको चैनल खुलने के बाद बता दूंगा। गाइस अभी सोने का टाइम हो चुका है तो फिलहाल चलते हैं सोने। और गाइस देखो कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, उसके बाद मेरा मैथ्स और साइंस का एग्जाम है। मैथ्स और साइंस में गाइस ऐसा नहीं मेरे गंदे मार्क्स आते, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं दोनों में ही, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल गाइस उसके लिए पढ़ता है। तो भाई कल और मतलब ऐसा है ना कि एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर है तो एक दिन छुट्टी है गाइस, कल मैं इंग्लिश का एग्जाम दे के आऊँगा, 2-3 घंटे की नींद लूँगा और फिर तुरंत गाइस पढ़ने बैठ जाऊँगा। मैथ्स जल्दी ख़त्म करनी है मुझे, मैथ्स और साइंस के लिए मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, साइंस का प्लान बना चुका हूँ पर मैथ्स मुझे मैनेज करनी है। तो भाई कल का और मतलब अगले 4 दिन जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष भरे होने वाले हैं, पर उसके बाद हिंदी है, हिंदी बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा होने वाला है क्योंकि मेरे को हिंदी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। और उसके बाद कंप्यूटर में मैं गाइस हमेशा फुल लाता हूँ, तो वो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है। तो मतलब 22 तारीख तक मेरा स्ट्रगल है, बाकी 20 तारीख को बेबो का बर्थडे, तो बेबो को सरप्राइज भी देना है, कहीं जल्दी घूमने भी जाने वाले, तो आप जल्दी गाइस पेपर के बाद चलेंगे प्री बोर्ड के बाद। बाकी गाइस मिलता हूँ मैं कल के ब्लॉग में, आई होप कि वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी आपको कल के ब्लॉग में, क्या आप तो सीधा साथ पता नहीं कब 18 तारीख को होगी स्ट्राइक, शायद से स्ट्राइक खत्म। बाकी फिलहाल गाइस जा रहा हूँ, 2:55 हो गए, मतलब सॉरी 2:55 सॉरी बोल रहा हूँ 1:55 हो गया, और सोने का टाइम हो चुका है, जा रहा हूँ भाई सोने। 4-4.5 घंटे की नींद मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी नहीं, चलता हूँ गाइस सोने, मिलते हैं आपको किसी दिन किसी वक्त। भाई सब सो रहे हैं, बाय बाय गाइस।